हेलो गाइस, वेलकम टू एजुमित्रा। तो आज के इस लेक्चर में हम मिलकर समझने जा रहे हैं क्लास 10 सीबीएसई इंग्लिश के बुक फर्स्ट फ्लाइट के फोर्थ पोयम को, जिसका नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, यानी वाइल्ड एनिमल्स को कैसे पहचाने। अगर इस चैप्टर के पोएट की बात करें तो इस चैप्टर के पोएट हैं कैरोलिन वेल्स। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। दिस ह्यूमरस पोयम सजेस्ट सम डेंजरस वे टू आइडेंटिफाई और टेल वाइल्ड एनिमल्स। तो ये एक ह्यूमरस पोयम है, यानी एक फनी पोयम है, जिसमें पोएट हमें बताते हैं या सजेस्ट करते हैं कुछ डेंजरस तरीकों से, कुछ खतरनाक तरीकों से कि हम लोग जंगली जानवर को कैसे पहचाने। रीड इट अलाउड कीपिंग टू ए स्ट्रॉन्ग एंड रेगुलर रिदम। तो चलिए इसको पढ़ते हैं और इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो इस पोयम में पोएट कैरोलिन वेल्स बहुत ही एजुकेटिव और इन्फॉर्मेटिव तरीकों से बहुत सारे जानवर का फीचर्स बताते हैं उनके, और बताते हैं कि हम उनको कैसे पहचान सकते हैं। तो चलिए इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। चलिए पहले फर्स्ट स्टैंजा को देखते हैं। एक बार मैं आपके लिए इसको रीड कर देता हूँ। इफ एवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट एंड इफ देयर शुड टू डू यू एडवांस ए लार्ज एंड टॉनी बीस्ट इफ ही रोर्स एट यू आर योर डाइन यू नो इट इज ए एशियन लायन। इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो इस स्टैंजा में बेसिकली इसके पोएट हमें एशियन लायन को पहचानने के तरीका बताते हैं। इसमें पोएट कहते हैं कि इफ बाई चांस यू हैपन टू गो टू एनी फॉरेस्ट इन द ईस्ट एंड यू लाइकली टू सी ए ह्यूज एंड टेरिबल एनिमल मूविंग टूवर्ड्स यू, यानी कभी दुर्भाग्यवश आप ईस्ट के जंगल में, पूर्व की दिशा के जंगल में चले जाते हैं और वहाँ आपका सामना एक बहुत बड़े और भयानक जीव से होता है, जानवर से होता है, और जो लगे कि वो आपके तरफ आ रहा है तो आप समझ जाना दैट इट इज़ ए एशियन लायन, कि वो एक एशियन लायन है। द लार्ज बीस्ट रोर्स लाउडली एट यू एंड यू फील दैट यू आर डाइंग ड्यू टू फियर। और जो एशियन लायन है बहुत ज़्यादा तेज से दहाड़ता है और ऐसा लगता है कि उसके दहाड़ने से ही, डर से ही इंसान की मौत हो जाएगी। यानी इसमें पोएट बेसिकली एशियन लायन के बारे में बताते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। इफ फॉर सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड ए नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू विद ब्लैक स्ट्रिप ऑन ए येलो ग्राउंड जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू द सिंपल रूल मे हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न। तो इस स्टैंजा में पोएट बताते हैं दैट इफ़ यू आर वेरी लाइकली दैट वाइल रोमिंग इन द फॉरेस्ट यू आर ग्रीटेड बाई अ वाइल्ड बीस्ट, यानी आप जंगल में कभी कभी इधर उधर घूमते हुए एक बहुत बड़े जानवर से मिल जाते हैं एंड दैट हैज ए मैजेस्टिक बॉडी कवर्ड विद ब्लैक स्ट्रिप ऑन ए येलो हाइड, जिसके बॉडी पे काले काले रंग के स्ट्रिप्स होते हैं और उसका बॉडी पीले रंग का होता है। और पोएट बताते हैं कि अगर ये जानवर आपको मिले एंड इफ ही ईट्स यू, और वो जानवर आपको खा ले तुरंत ही, तो आप समझ जाना कि वो बंगाल टाइगर है, यानी कि वो बाघ है बंगाल का। थर्ड पैराग्राफ देखते हैं, थर्ड स्टैंजा को। इफ स्टॉर्थिंग फॉट ए बीस्ट यू व्यू हुज हाइड स्पॉट इज पेपर्ड एज सून एज ही हैज लीप्ड ऑन यू यू नो इट इज ए लेपर्ड ही विल डू नॉट Could roar with pain, he'll only help leap and leap again. तो इस लाइन में बेसिकली पोएट बताते हैं दैट इफ यू हेल्प द रीडर टू आइडेंटिफाई ए लेपर्ड। तो इस लाइन में, इस स्टैंजा में राइटर हमें लेपर्ड यानी तेंदुआ को पहचानने में मदद करते हैं। ही सेज दैट इफ यू हैपन टू वॉक इन ए फॉरेस्ट, वो बताते हैं कि अगर आप किसी तरह फॉरेस्ट में जा रहे हैं और आपका सामना एक ऐसे जानवर से होता है जिसके शरीर पर काले काले धब्बे हैं और वो आप पर तुरंत ही जंप करता है, जंप्स एट यू, तो आप समझ जाना कि वो एक लेपर्ड है। और एंड ही कीप्स जंपिंग ऑन यू एंड टीयर यू अपार्ट, और आप पर कूदते रहता है, कूदते रहता है और आपके बॉडी को चीर फाड़ कर रख देता है, यानी वो बहुत डेंजरस होता है। मोर एवर इट विल बी नो यूज टू साउट और क्राई विथ पेन बिकॉज ही विल कंटिन्यू पाउंसिंग ऑन यू सो यू शुड बी केयरफुल। वह बताते हैं कि वहाँ चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि लेपर्ड बहुत ही डेंजरस होता है और वो आपको तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक आपको
मौत के घाट ना उतार दे। इसीलिए पोएट बताते हैं कि जंगल में जाने समय लेपर्ड से बहुत सावधान रहें। चलिए फोर्थ स्टैंजा को देखते हैं। एक बार मैं आपके लिए इसको रीड कर देता हूं। इफ व्हेन यू वॉकिंग राउंड योर यार्ड यू मीट ए क्रिएचर देयर हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड बी श्योर इट इज ए बेयर इफ यू हैव एनी डाउट आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैरेस। तो इसमें पोएट बताते हैं कि अगर आप अपने यार्ड यानी अपने बगान में ही चल रहे हो और आपका सामना एक ऐसे जानवर से हो जाता है जो आपको क्या करता है, हक कर लेता है बहुत जोर से, तो आप समझ जाना कि वो एक बेयर है यानी भालू है। द पोएट फर्दर सेज दैट इन केस ऑफ एनी डाउट यू विल फाइंड द बेयर विल एम्ब्रेस यू एंड वंस टिल डेड। और आप ये देख लेना कि अगर वो आपसे बहुत टाइट से पकड़ लेता है तो वो आपको नहीं छोड़ेगा और बस मार कर ही वो आपको छोड़ेगा, यानी बेयर बहुत ही खतरनाक होता है। चलिए फिफ्थ स्टैंजा देखते हैं। दो टू डिस्टिंग्विश बेस्ट प्रे ए नोबिस माइट नॉन प्लस द क्रोकोडाइल्स यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइनस दस हाइनस कम विथ मेरी स्माइल्स बट इफ दे वेप दे आर क्रोकोडाइल्स। तो इस स्टैंजा में बेसिकली इसके पोएट कैरोलिन वेल्स हमें एक हाइना और एक क्रोकोडाइल यानी एक लकड़बग्घा और एक मगरमच्छ में डिस्टिंग्विशन करते हैं यानी अंतर बताते हैं। वो इसमें बताते हैं कि हाइना लव्स एंड स्वेलिस इज विक्टिम, यानी हाइना जो होता है लकड़बग्घा होता है वो बहुत हंसता है और अपने विक्टिम अपने शिकार को निगल लेता है। एंड हाइनास लाफिंग वॉइस इज सिमिलर एज ए मीन्स लाफिंग साउंड, यानी जो लकड़बग्घा का जो हाइनास का वॉइस होता है आवाज़ होता है वो बिल्कुल किसकी तरह होता है, इंसान के हंसने की आवाज़ की तरह। तो यहाँ हम पोएट ने हमें एक इंफॉर्मेशन भी दी है। एंड ए क्रोकोडाइल ऑन द अदर हैंड इज सेड टू सेड टीयर्स व्हाइल ईटिंग इट्स प्रे। और यहाँ पोएट एक और इन्फॉर्मेशन देते हैं कि जब क्रोकोडाइल जब मगरमच्छ अपना शिकार को खाता है तो वह शिकार के खाने समय आंसू बहाता है, इसीलिए कहावत भी है कि मगरमच्छ के आंसू मत बहाओ। चलिए अगले स्टैंजा को देखते हैं। द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल ए लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग ही हैज नॉट एनी ईयर्स एट ऑल एंड नॉट ए सिंगल विंग इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री दिस इज कैमेलियन यू शी। तो इस स्टैंजा में बेसिकली इसके पोएट कैमेलियन के बारे में बताते हैं यानी गिरगिट के बारे में। वह बताते हैं कि कैमेलियन एक बहुत छोटा होता है ऑर्गेनिज्म, यानी ए कैमेलियन इज ए स्मॉल गार्डन लिजर्ड, मतलब एक कैमेलियन एक गिरगिट एक छिपकली की तरह होता है। इट डज नॉट हैव ईयर्स एंड विंग्स, ना ही उसके कोई कान होते हैं ना ही कोई पंख। द पोएट फर्दर सेज दैट इफ यू आर अनेबल टू सी अ थिंग ऑन अ ट्री देन चांसेस आर दैट ए कैमेलियन इज सिटिंग देयर। और पोएट बताते हैं कि अगर आप कुछ देख पा रहे हो पेड़ पर कुछ और आपको लगे कि कुछ वहाँ नहीं हो और आप कुछ वहाँ देख अच्छे से नहीं पाओ तो आप समझ जाना कि वहाँ पे गिरगिट बैठा है, क्योंकि गिरगिट बहुत सारे रंग बदल सकता है। तो यहाँ बेसिकली इस कहानी के पोएट कैरोलिन वेल्स हमें बताते हैं डिफरेंट टाइप के एनिमल्स को जंगली जानवरों को हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो इस पोएम के माध्यम से इसके पोएट हमें बहुत ही एजुकेटिव इंफॉर्मेटिव और ह्यूमरस तरीके से बहुत ही जोकफुल मैनर में हमें इसके पोएट कैरोलिन वेल्स बताते हैं कि हम अलग अलग ऑर्गेनिजम्स अलग अलग वाइल्ड एनिमल्स जंगली जानवर को कैसे पहचान सकते हैं। वह बताते हैं कि जो एशियन लायन होता है वो बहुत देखने में डराना होता है और ईस्ट के जंगल में पाया जाता है और देखते ही हमें मार डालेगा। दूसरा बताते हैं कि जो बंगाल टाइगर्स होता है उसके बॉडी पर येलो स्ट्रिप्स होता है सॉरी ब्लैक स्ट्रिप होता है और उसका बॉडी येलो कलर का होता है। उसके बाद हमें लेपर्ड के बारे में बताते हैं कि कैसे लेपर्ड आपको देखते ही आपके ऊपर छलांग लगा देगा और आपकी जान ले लेगा। उसके बाद वो बेयर यानी भालू के बारे में बताते हैं कि कैसे भालू आपको देखते ही आपको हक कर लेगा एम्ब्रेस कर लेगा और तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक आपकी जान ना ले ले। उसके बाद उन्होंने क्रोकोडाइल और हाइना का यानी मगरमच्छ और लकड़बग्घे का डिस्टिंग्विशन किया है। वो बताते हैं कि अगर हाइना अपने प्रे को अपने शिकार को निगलता है तो वो हंसता है जो कि इंसान की आवाज़ की तरह लगता है और क्रोकोडाइल खाना खाते वक्त खाना निगलते वक्त अपने आंसू गिराता है। लास्ट में वो बताते हैं कि कैमेलियन यानी गिरगिट एक
छिपकली की तरह जो होता है और अपना रंग बदल सकता है। तो यहाँ बेसिकली इस पोएट हमें इस पोएम में बहुत सारे वाइल्ड ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए बताना चाहते हैं। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द लेक्चर। मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद सम अदर टॉपिक। टिल देन स्टे क्रिएटिव, कीप लर्निंग एंड मोस्ट ऑफ ऑल हैव फन। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू स्टे नोटिफाइड विद द लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।